श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे ऑल इन वन संदीपा ब्लॉग्स चैनल में। आज मैं अपने बालों के लिए मेहंदी घोल रही हूँ, क्योंकि बाल थोड़े सफ़ेद हो चुके हैं और इसीलिए ये प्रॉब्लम तो आजकल सभी को है। तो बस मैं मेहंदी कैसे घोलती हूँ आप ही देखिएगा, और मैं कौन सी मेहंदी घोल रही हूँ, ये शंकर सुधंध छाप आयुर्वेदिक मेहंदी है और बहुत अच्छी मेहंदी आती है ये देखिए आप ये वाली। और मैं जैसे घोलती हूँ आप भी देखिए कि मैं कैसे घोलती हूँ। इससे ना बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। आप जरूर ट्राई करना, आप एक बार लगाओगे तो आपको लगेगा नहीं ये लगानी चाहिए। मतलब मेहंदी कोई सी हो, जरूरी नहीं कि यही मेहंदी होनी चाहिए, मेहंदी कोई सी भी चलेगी, लेकिन इस तरह आप घोलिएगा। मेरे बाल इतने सिल्की हो गए, आपको मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा सिल्की बाल हो गए इससे। मेहंदी है मैंने में चाचू में है काफी, तो मेरे बालों में इतनी मेहंदी लग जाती है। आप आपके बाल के हिसाब से आप मेहंदी ले सकते हैं। हाँ, मैंने 200 ग्राम मेहंदी ली है। अब मैं इसमें क्या डालूंगी आप देखिएगा, एक सेकेंड देखिए। ये मैंने चाय पत्ती का पानी लिया है, इसे गर्म कर लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती डाली है और अच्छे से उबाल लिया है। ये थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा है। अब मैं इसे डाल लूँगी इसमें, ये चाय पत्ती के पानी से मैं घोलूँगी। चाय पत्ती का पानी फ्रेंड बहुत अच्छा रहता है, चाय पत्ती का पानी तो बहुत चीज़ों में काम आता है। इससे बाल सिल्की होते हैं, शाइनिंग आती है बालों में। आप ऐसे भी मेहंदी में नहीं घोलो, लेकिन ऐसे भी चाय पत्ती के पानी से सर आप धोगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब शाइनिंग आएगी और एक सिल्कीपन जो रहता है वो बालों में आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पानी डाल लिया, अभी और पानी इसमें लगेगा तो मैं और डालूँगी। धीरे धीरे डालिए, आपको जितनी पतली जितनी गाढ़ी रखनी है उतनी आप रख सकते हो, आपके हिसाब से जितनी उसकी थिकनेस रखनी हो। यहाँ भी और डालूंगी मैं, तो ये देखिए। अब चाय पत्ती के पानी बहुत यूज में आता है, इसके यूज बहुत सारे चाय पत्ती के पानी के। आप यदि आपके चाय पत्ती के पानी में पैर भी डुबा के रखोगे ना तो आपके पैर बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके पैरों में पसीना नहीं आएगा। जो बदबू आती है जेंट्सों के पैर में सॉक्स पहनने के बाद, वो बदबू भी नहीं आएगी यदि आप चाय पत्ती के पानी में डुबाते हो पैर। तो यहाँ देखिए मेरे मेहंदी हो गई है, इसमें अभी थोड़ा सा और पानी में डालूंगी, क्योंकि अभी ये रात भर मैं इसे भिगो के रखूंगी। ये मेहंदी रात भर ऐसी रहेगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी वो, तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल दूंगी चाय पत्ती का। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी, कॉफ़ी पाउडर, नेस्कैफे का है, कोई सी भी कॉफ़ी चलेगी। तो एक पैकेट नेस्कैफे का छोटा वाला मैं कॉफ़ी पाउडर डाल दूंगी इसमें, और अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए हमारी मेहंदी अच्छे से हो गई है। और इसमें नींबू, मेन इंग्रेडिएंट नींबू। नींबू से आपके पास सिल्की, बहुत सिल्की हो जाएंगे, शाइनिंग आएगी, क्योंकि इसमें है विटामिन सी, बालों के लिए अच्छा रहता है। और प्लस डेंड्रफ नहीं होगी आपके बालों में, तो डेंड्रफ के लिए तो आपको पता ही है, पता ही होगा बहुत अच्छा है नींबू। तो ये नींबू अभी नहीं डालेंगे, जब इसे लगाएंगे ना तब डालेंगे। तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अभी तो घोल के रख दिए ओवर नाइट, ये रात भर घुली रहेगी। और इसको मैं सुबह अप्लाई करूँगी, और इस नींबू को भी मैं सुबह डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो जब भी आप लगाएं उससे पहले आप नींबू डालें। और एक चीज़ और, आप मेहंदी में हल्दी ज़रूर डालिएगा लगाते टाइम, जैसे आपको लगानी हो उसके 5 मिनट पहले आधी चम्मच, जितनी मेहंदी उस हिसाब से 1 चम्मच मेहंदी डाली तो आपको मेहंदी से इतना पक्का कलर आएगा और जल्दी निकलेगा भी नहीं। तो आप मेहंदी ज़रूर डालिएगा,
ओह सॉरी, मेहंदी नहीं, हल्दी ज़रूर डालिएगा इसमें लगाने के पहले, और नींबू। बस आपको मेरी ये मेहंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो ऐसी मेहंदी आप घोलिए और आपको पसंद आए, आपको लगाने के बाद ये कैसी लग रही है, आपके बाल कैसे होते, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मेहंदी की रेसिपी कैसे लगी। लगाने के बाद ही बताइए, पहले मत बताइएगा भले ही। और प्लीज़ मेरा मेरी पसंद आए मेरी ये मेहंदी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।